चैंपियंस वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे जिसमें अभी तक हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं। जो पिछला वीडियो गया था हमारा उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हिमनद जो होता है हमारा अपरदन द्वारा कौन कौन से हस्तकृतियाँ का निर्माण करता है। अगर वो सब आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक कीजिएगा और 10 वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और देखे हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज वाला जो हम लोग 11 नंबर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे हिमोड़, यानी जो हम लोग का हिमनद जो निक्षेपण का काम करता है यानी जमाव का जो काम करता है उसके द्वारा कौन कौन सी अस्थलकृतियाँ बनती हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको हिमोड़ हम पहली बार बता चुके, तो हिमोड़ क्या होता है हम लोग का, हिमनद अपने साथ बहाकर विभिन्न आकार प्रकार वाले शैलचूर, कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी आदि को बहा लाता है जिसे हिमोड़ कहा जाता है। समझ में आया? यानी जो हम लोग का जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग जलोड़ पड़े थे नदी द्वारा, क्या होता है हम लोग का जब हम लोग का नदी अपरदन करता था कंकड़ पत्थर सब बालू मिट्टी जो भी अपने साथ बहा के लाता था उसको मैं क्या बोलते थे भाऊ, जलोड़ के होते थे। वैसे ही जब हम लोग का हिम यानी बर्फ जो अपने साथ बहुत सारे पदार्थ को काट कूट के लाता है अपरदन के दौरान, तो जो काट करके जितना सभी पदार्थ लाया है सब पदार्थ जब उसमें मिला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाऊ, हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, हिमोड़ का जमाव हिमनद घाटी के दोनों किनारों पर उसकी तली में बीच में या अंतिम भाग में होता है। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ होता है जो हम लोग का समझिए कि ज़्यादातर हम लोग का जैसे सपोज कीजिए कोई हम लोग का हिमनद आ रहा है, ये हिमोड़ का जवाब कहाँ करेगा, ये किनारों पर करेगा, यानी जो भी उसमें कंकड़ पत्थर मिर्ची सीधा भाषा में समझे तो उसमें जो भी अवसाद है यानी कचरा फचरा जो भी है, ठीक है, इसके किनारों पर जमाव करेगा, फिर उसका तली में जमाव करेगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ उसका अंतिम भाग यानी जहाँ पर वो जाके हिम अब खत्म होने वाला रहेगा वहाँ पर जमाव करेगा। ठीक है, इसी अनुसार हम लोग का हिमनद का हिमोड़ का प्रकार भी होता है, सॉरी हिमोड़ का इसी अनुसार प्रकार भी होता है। ठीक है, तो जिस पर हम लोग एक एक प्रकार को भी हम लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए हम लोग क्या होता है वो पहला क्या समझे, हम लोग पाषाणिक हिमोड़ क्या होता है, हम लोग पाषाण मतलब क्या होता है वो किसी भी चीज़ का किनारा होता है, यानी जब हम लोग का हिमनद जो होता है अपने साथ जो हिमोड़ रहता है उसका जमाव जो होता है किनारों पर लगता है करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो पाषाणिक हिमोड़ बोलते हैं। देखिए जैसे ये सपोज कीजिए कोई हिमनद आ रहा था ऐसे, अब ये जो किनारों पर ये जमाव कर रहा है, ये किनारों पर जो जमाव हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे वो पाषाणिक हिमोड़ बोलेंगे। वही बात हम लोग का लिखा हुआ है, जब हिमोड़ का जमाव हिमनद के दोनों पाषाणों यानी दोनों किनारों पर होता है तो उस समय क्या कहते हैं बाबू, हिमोड़ कहते हैं। उस समय क्या कहते हैं, पाषाणिक हिमोड़ कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए मध्यस्थ हिमोड़ क्या होता है, मध्य वाला। जैसे सपोज कीजिए कि ये कब तब बनता है जब हम लोग का दो हिमनद आता है, जैसे सपोज कीजिए एक हिमनद ये देखिए यहाँ पर, अच्छा ये हिमनद समझिए कि आ रहा है यानी दोनों किनारों पर अपना पाषाणिक हिमोड़ जमा कर रहा होगा। हाँ भैया, अब ये हिमनद आ रहा है ये भी अपना दोनों किनारों पर पाषाणिक हिमोड़ जमा कर रहा होगा, लेकिन ये जहाँ दोनों मिल रहा है इसका देखिए पहले तो किनारों पर जमा किया है यानी पाषाणिक है, लेकिन फिर जब ये आ गया तो ये क्या हो गया, दो हिमनद के बीच में हिमोड़ का जमा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मध्यक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हो, मध्यस्थ बोलते हैं। बात समझ में आया, मध्य वाला यानी जहाँ दो हिमोड़ आके मिल के जब एक साथ हम लोग जाने लगते हैं यानी जो दो हिमनद एक साथ मिल के जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उसके मध्य में जो हिमोड़ का जमाव होता है उसको हम क्या कहते हो, मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। देखिए जैसे समझ में आया, जैसे देखिए एक हिमनद इधर से आ रहा था, एक हिमनद इधर से आ रहा था, इसका ये वाला किनारा और इसका ये वाला किनारा आके दोनों एक दूसरे में मिल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए मध्य में है ना दोनों का, देखिए इधर भी एक किनारे पर होगा और इधर भी एक किनारे पर होगा, इन दोनों के मध्य में एक जमा हुआ, इसको हमें क्या बोलेंगे, मध्यस्थ हिमोड़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट अपना बात कर लें। अंतिम हिमोड़ मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए जब हम लोग का ये हिमोड़ जब आगे बढ़ बढ़ के एक ऐसा जमा पे आएगा जहाँ से वो आगे हिमनद नहीं बह पाता है, उसके आगे वो पानी के रूप में बहना शुरू कर देता है यानी उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, तो जहाँ पे ये सब चीज़ निक्षेपित कर देता है सब आगे अपना लास्ट अंतिम वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अंतिम हिमोड़ बोलेंगे। वही होता है हम लोग, देखिए परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ है, हिमनद जब पूर्णतः समाप्त हो जाता है ठीक तथा हिमनद आगे बढ़ने बंद जाता है तो हिमनद द्वारा लाया हुआ बहुत सा पदार्थ वहाँ एकत्रित हो जाता है, इसका आकार अर्धचंद्राकार के रूप में रहता है। देखिए आधा चंद्रमा, चंद्रमा जानते हैं तो मून मून मून, ठीक है ये वाला जो आकृति देखिए अर्धचंद्राकार है, तो समझ में आया, तो समझ में आया, इसी को बोलता हूँ यानी अंतिम है यानी जहाँ पे हम लोग का हिमनद अब उससे आगे नहीं बढ़ेगा, जहाँ ले आके सब अपना जो भी जितना भी पदार्थ लेके आया सब वहाँ पे जमा कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो, अंतिम हिमोड़ बोलते हैं। समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, तो हम लोग हिमोड़ को तो पूरा समझ चुके हैं, हिमोड़ क्या होता है और कितना प्रकार का होता है, बेसिकली तीन प्रकार का होता है, पाषाणिक और मध्यस्थ और अंतिम होता है। ठीक, अब ये जो जमा हो रहा है ये अब जब आपको भी पता है जब निक्षेपण करेगा तो अलग अलग आकृति का निर्माण करेगा, उन सब आकृतियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा आकृति बनता है हम लोग का। देखिए अवक्षेप मैदान,
मैदान मतलब आपको पता है क्या होता है, वो फील्ड, ठीक, जहाँ आप लोग खेलने वाले जाते हैं वैसे फील्ड होता है। तो वैसे हम लोग का अवक्षेप, अवक्षेप वाला मतलब क्या होता है, जमाव द्वारा बना हुआ। देखिए क्या होता है, हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। जब हिमनद पूरा समाप्त हो जाता है, यानी हिमनद क्या होता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में आगे बढ़ता है। सरिता यानी पानी के रूप में, यानी नदी के रूप में जिसको बोला जाता है, सरिता के रूप में आगे बढ़ता है तथा हिमोड़ का मालवा भी उसके साथ हो लेता है, यानी उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। और जलधारा मंद पड़ जाने पर मालवा चादर के भांति फैल जाता है और अंतिम हिमोड़ के सामने वाले भाग पर एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग अवक्षेप का मैदान कहा जाता है। इसे मालवा के क्रम में, क्रम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए होता क्या, हम लोग का जैसा हम लोग का बात पता था कि जब हम लोग का ये हिमोड़ आ रहा था तो अंतिम हिमोड़ जब आ रहा था तो ऐसे कुछ हो जा रहा था, ठीक। अब यहाँ से आगे अब हिमनद नहीं बहने वाला है, लेकिन आपको पता है जब वो बर्फ़ है पानी पिघलेगा, बर्फ़ पिघलता तो क्या बनता है, पानी पिघलता बनता है ना। तो अब ये पानी बन के जब आगे बहेगा, अब जब पानी आगे बहेगा तो आपको पता है कि इसमें जो भी कंकड़ पत्थर आया होगा वो उसके साथ भी आगे बहेगा। जब ये आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, पानी जब होता है एक स्पीड तक, कुछ दूर तक ही जा पाएगा। जब पानी का स्पीड मंद पड़ जाता है तो ये क्या करने लगता है, सब पदार्थ का जमाव करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो भी मालवा है वो एक चादर के रूप में अंतिम हिमोड़ के सामने बीच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप का मैदान बोलते हैं। बस और कुछ नहीं है, आपको समझ में आया, इसी परिभाषा को फिर पढ़िए आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला उनका, जब हिमनद पूरा समाप्त हो जाता है तो उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में, यानी नदी के रूप में हम बोल सकते हैं, यानी जलधारा के रूप में बोल सकते हैं, सरिता के रूप में आगे बढ़ता है तो हिमोड़ का मालवा भी उसके साथ हो लेता है, यानी जो भी हिमोड़ में मालवा आया है उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। और जलधारा मंद पड़ने पर, यानी जब जलधारा हम लोग का स्पीड कम हो जाता है, जब आगे लेके जाने में असमर्थ हो जाता है, वो जलधारा मंद पड़ने पर मालवा चादर के भांति फैल जाता है और अंतिम हिमोड़ के सामने वाले भाग पर एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग अवक्षेप का मैदान कहा जाता है। इस मालवा को क्रम से जाना था, यानी एक क्रम के रूप में भाई, यानी एक बार पहले मालवा भरा फिर उसके दूसरा में आ जाता है, इसलिए क्रम से जाना जाता है। समझ में आया आपको, चलिए फिर हम लोग दूसरा आकृति देखते हैं अपना। अब देखिए हम लोग दूसरा आकृति क्या है बहू, हिमोड़ टीले या डिब्बे या ड्रमलिन जिसको बोला जाता है, हालांकि इसका नाम यही ज़्यादा याद रखिएगा, इसको ड्रमलिन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, हम लोग का ये हिमोड़ के निक्षेपण से बनते हैं। हिमोड़ यानी जो हिमनद के साथ कंकड़ पत्थर आया, आपको अभी शुरुआत में बताया था, उसका निक्षेपण यानी उसका जमाव। निक्षेपण मतलब क्या करना होता है, जमाव कर देना, यानी लेके छोड़ देना कहीं भी, ठीक है। ये कम चौड़े और अधिक लंबे होते हैं। देखिए चौड़ाई इसका देखिए बहुत कम होता है, यानी चौड़ाई हम कैसे होता है, चौड़ाई मतलब समझिए कि अगर इतना होगा ना तो इसका लंबाई इतना होगा, यानी चौड़ाई बहुत कम होता है और लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। इसकी आकृति टोकरी में रखे अंडों जैसी होती है, जैसे आप समझिए कि टोकरी में रखे जाता है अंडा कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना हल्का सा, उस टाइप का आकृति दिखता है, इसलिए बोला जाता है। इनकी आकृति की तुलना हवेल मछली के पीठ से भी की जाती है, यानी जो वेल होता है उसका पीठ से भी किया जाता है, उसका पीठ भी अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए पीठ भी आप ध्यान से देखिए ना, ऐसा ही कुछ होता है ना, उसके बाद ऐसे आप मछली कुछ ऐसा चल जाती है, ये मछली आप बेकार बना रहा है, ऐसा डायग्राम हमको आता है बनाना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, भयंकर हवेल बन गए, ठीक है, जो भी काम चला लीजिएगा, ठीक। तो हवेल मछली के समझ देखिए, इसका पीठ जैसा पीठ क्या हवेल मछली के तुलना में है ना, तो इसलिए बोला जाता है, ठीक है। अब अच्छा साहब को हम एक एक लाइन फिर पढ़ के समझाएं तब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या बोलो उनका, जब हिमोड़ का ये क्या होता है उनका, ये हिमोड़ के निक्षेपण से बनता है, ये चौड़ा कम होता है और अधिक लंबा होता है, इनकी आकृति टोकरी में रखे अंडों के जैसी होती है, इनकी आकृति की तुलना व्हेल मछली के पीठ से की जाती है, ये टीले 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं, यानी इसका ऊंचाई कितना हो सकता है बाबू, 50 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं तथा 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं, यानी इसका लंबाई कितना हो सकता है, 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर बोल लीजिए या 1 किलोमीटर बोल लीजिए, ठीक है, तथा 0.5 किलोमीटर चौड़े होते हैं, 0.5 किलोमीटर चौड़े मतलब आधा किलोमीटर चौड़ाई होता है इसका, ठीक है, यानी ऐसे चौड़ाई, ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो जैसे ये मार्कर हम लोग का, अगर मान लीजिए कि ऐसा कर रहता है यहाँ पे, तो ये चौड़ाई इसका हो गया, यानी 0.5 यानी 500 मीटर, ठीक है। इन टीलों का ढाल एक ओर तीव्र तथा दूसरी ओर मंद हो जाए, देखिए एक ओर ढाल क्या है, इधर देखिए ढाल मतलब देखिए तीव्र मतलब क्या, जल्दी से गिरने वाला, देखिए इतना ढाल कितना है, और एक तरफ देखिए बहुत दूर तक गया है, यानी मंद है, यानी उधर से कुछ कुछ चीज़ गिराइए तो धीरे धीरे जाएगा वो, इधर से गिराइएगा तो पट से चल जाएगा, देखिए देखिए हमें क्या लग रहा है, लग रहा है, समझ में आया। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, वो ड्रमलिन बोलते हैं, ठीक है, इसको ड्रमलिन नाम से हालांकि जब बहुत अक्सर पूछा करता है आपका, लेकिन आप हिमोड़ के टीले देख सकते हैं या डिब्बे देख सकते हैं, डिब्बे हम बोल रहे हैं, ठीक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आकृति में बात कर ले अपना, अगला आकृति हम लोग का क्या होता है, ठीक।
हम लोग का एक्सकर देखिए क्या होता है, ठीक है। पहले हम समझाते हैं एक्सकर बनता कैसे, फिर आपको हम लोग डिफिनेशन पढ़ के देख लेंगे अपना क्या होता है, ठीक। जैसे देखिए, जब हम लोग का अंतिम भीमोड़ आया, अंतिम भीमोड़ मान लीजिए कि यहाँ पे आके आया हुआ है, ठीक है, सब बर्फ है, ठीक है भाई, हिमनद का हिमोड़ ही होगा ना, यानी इसमें सब बर्फ है। अब बर्फ देखिए जब पिघलता है ना, तो पिघलने के बाद क्या करता है, बर्फ देखिए नीचे से ना पिघलेगा, नीचे कैसे भी पिघले लेकिन पानी उसका नीचे से निकलना शुरू करता है, यानी नीचे से एक बहुत तेज जल का धारा निकलता है, ठीक। अब जब नीचे से बहुत तेज जल का धारा निकलता है, उस धारा के साथ क्या होता है, वो अवक्षेपी पदार्थ यानी जो भी मालवा होता है वो सभी इसके साथ बढ़ता है और आगे बढ़ा, समझ कीजिए कि इधर कोई बड़ा पत्थर होता है। अब क्या होगा, अब जल जाकर इसके टकराने लगा, अब टकराने के बाद क्या हो गया, वो अब आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसके साथ जो भी मालवा वाला आया इधर लगा रख छोड़ने, अब धीरे धीरे जल की गति मंद पड़ जाएगी और ऐसे ऐसे कर करके इधर सब जमा कर देता है, एक लाइन में छोटा छोटा टीला का जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहू एस्कर कहते हैं। बात समझ में आया, देखिए होता क्या है, अंतिम जब हिमोड़ होता है वहाँ पर हम लोग का पूरा जमा हो चुका है, यानी यह बर्फ है। अब इसका पानी कहाँ से निकलेगा, उसका तली से निकलता है, जब उसका तली से पानी निकलता है तो उस समय उसका बहुत तेज स्पीड रहता है, जिसके कारण वो क्या करता है, बहुत सारा इसका मालवा जो होता है इसको अपने साथ बहा के लेके जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रास्ता में कोई अवरोध आ गया, यानी रुकावट आ गया, कोई पर्वत पहाड़ कुछ भी आ गया, तो उससे टकरा के पानी क्या होता है, बहुत स्पीड कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, सब मालवा का नीचे पड़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जमाव कर करके छोटा छोटा टीला का निर्माण करता है, और यही टीला एक लाइन में देखने पर एक लाइन रेखा लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाबू एस्कर कहते हैं या हिमनद भूत कहते हैं या कटक कहते हैं, कटक मतलब आपको पता है ये लाइन टाइप का कटक होता है, ठीक है। देखिए आप हमें क्या बोलते हैं, कभी कभी हिमनद के अंतिम सिरे पर उसकी तली से जल का तेज धारा निकलती है, जब इस जल धारा के सम्मुख कोई और रुकावट आ जाती है तो पीछे से बहकर आने वाला जल वहीं एकत्रित होने लगता है, जिससे जल धारा की गति धीमी पड़ जाती है और इसके साथ आने वाला मालवा निक्षेपित होने लगता है, जिससे हिमनद की घाटी में लंबे कम ऊंचे वाले पतले तथा टेढ़े मेढ़े टीलों का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट आकृति पर बात कर ले थोड़ा सा, अब देखिए हम लोग का खेम क्या होता है, ठीक है। अब खेम में देखिए एक टीला ही है, ठीक है, देखिए हम परिभाषा पढ़ते फिर आपको समझाते क्या है, परिभाषा से खैर उससे समझ में आ जाएगा आपको। जब हिमनद अपनी अंतिम सीमा से पीछे हटता है तो उसके साथ बहाकर लाए गए कण तथा पदार्थ निक्षेपित से पहाड़ी टीलों का निर्माण हो जाता है, ये टीले एक दूसरे के पीछे बनते जाते हैं, इन्हीं टीलों को हम लोग क्या कहा जाता है, केम कहा जाता है। जैसे देखिए जब हम लोग का अंतिम हिमोड़ था, ठीक है, यानी जब ही हम लोग का अंतिम हिमोड़ था, यानी यहाँ तक समझ कीजिए कि यहाँ तक हम लोग आया है ये हिमोड़ तो, ठीक, अब यहाँ तक ऐसे कुछ हिमोड़ आए हैं, ठीक। अब आपको पता है, देखिए यहाँ से शुरू में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, हम लोग एक्सकर निर्माण हुआ तो जल इसका पिघल रहा था, जब जल पिघलेगा तो ये धीरे 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 पीछे भागना शुरू करेगा हिमनद, जो यानी हिमनद जो है पीछे भागना शुरू करेगा। जब पीछे भागना शुरू कर रहा है तो जो इसका तली में भी जमा हुआ था, हम लोग सुने देखे थे ना कि हिमोड़ का जवाब तली में होता है, जब वो तली में जमा हुआ वो सब तो वहीं रह जाएगा ना, तो छूटे जो पर्वतीय भाग में पर्वत का क्या हो जाता है, हम लोग का छोटा छोटा टीला का निर्माण हो जाता है एक दूसरे के पीछे पीछे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केम कहते हैं। बात समझ में आया, कुछ नहीं है, ठीक। अब चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आकृति देख ले अपना। अब देखिए क्या बाबू हम लोग का कैटलस, अब कैटलस को हम लोग तुलना करेंगे कैटली से, वो चाय बनाने वाला कैटली जो होता है, ठीक है। अब अगर उस कैटली को ध्यान से देखिएगा तो कुछ ऐसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा डायग्राम हमसे नहीं बनेगा, फिर काम चला लीजिएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही रहता है कैटली रहता है, तो यानी इसमें हम लोग रख देते हैं कुछ भी, अपना चाय पानी कुछ भी रख देते हैं, ठीक। तो हम लोग का कैटली से कैसा हम तुलना करेंगे, देखिए होता क्या है, जब हम लोग का देखिए क्या होता है, कभी कभी अवसादों के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी जम जाते हैं, ठीक, उनके पिघलने के बाद ठोस अवसादी निक्षेपण धस जाता है, इस प्रकार से बने छोटे आकार के गड्ढे को कैटलिस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के पेरिस प्रदेश में ऐसे गर्त काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि जब हम लोग का अवसाद निकल रहा था, यानी जो भी हम लोग का जड़ोल निकल रहा था, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते गया और जाते जाते उसके साथ छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा चला गया, छोटा बड़ा कैसे भी बर्फ का टुकड़ा चला गया। अब वो जब बर्फ का टुकड़ा मान लीजिए अवसाद के साथ सूख गया, जम गया, ठीक, अब बर्फ तो एक समय बाद पिघलेगा और जब ये पिघलता है तो ये जल के रूप में हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया, तो उसी गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस कहते हैं। और इसको याद कैसे रखेंगे हम, कैटलिस, देखिए ये सब गड्ढा देख रहे हैं, तो ये गड्ढा कैसे बना होगा, ये बर्फ का टुकड़ा आया है और फिर बाद में वो बर्फ पिघल गया है तो वहाँ का जगह धस गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है वहाँ पे, कैटली के समान यानी एक गड्ढा पाया गया है, गर्त पाया गया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटलिस कहते हैं। बात समझ में आया, तो ये हम लोग का हिमनद के निक्षेपण द्वारा बनने वाली आकृतियाँ हैं, ये हम लोग क्या हो, हिमनद का निक्षेपण द्वारा बनने वाली आकृतियाँ हैं, ठीक है।
अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे बाबू, अपना पवन या हवा बोल लीजिए जिसको, वो वाला हम लोग अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी 1.B हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं 1.C अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन से जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.C स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।